राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की बहुत ही कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से। दोस्तों, आज मैंने बाबा जी से प्रार्थना की थी कि बाबा जी मुझे आज कोई देश के ऊपर मैं कुछ लिखूँ, और गुरु जी ने बाबा नीम करौली जी ने एकदम मुझे प्रेरणा दी और मैंने चार लाइनें देश की शान में लिखी है। इन्हें सुने और आगे भी शेयर करें अगर आपको पसंद हो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले अगर आपने नहीं किया है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, मेरा मान और सम्मान तू, तुझसे ही मेरी शान है। ए वजूद तेरा जब तक मेरी संस्कृति की पहचान है, मेरा धर्म तू, मेरा कर्म तू, तू ही मेरा अभिमान है। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, मेरा मान और सम्मान तू, शहीद जो तुझ पे हो गया है, अमर उसकी पहचान है। काश मैं भी तेरी सरहद पे होता, गर्व से मेरा भी सीना चौड़ा होता, ये सोच कर पछताता हूँ, नहीं था मेरे नसीब में मेरे देश की शान पे मिटना। अब सोचता हूँ कुछ तो ऐसा कर जाऊँ मैं, मेरे देश के सम्मान में कहीं तो हद से गुजर जाऊँ मैं। जय हिंद, जय माता की, जय भारत, जय हो मेरे मालिक, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों, मुझे बताएं ये कैसी लिखी है, बाबा जी की यही प्रेरणा है, ये देश के लिए उन्होंने आज मुझे प्रेरणा दी और मैंने लिख दिया। तो अब मेरे भाई, मैं ये देखता हूँ कि मेरे भाई, मेरे दोस्त कितना सहयोग करते हैं, कितना इसे आगे बढ़ाते हैं, देश सेवा में ये चार लाइनें लिखी। और अब आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि इसे आगे भी शेयर करेंगे, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम।